इंस्पेक्टर साहब, मेरा बेटा सिकंदर खुद को आपके हवाले कर रहा है। मकतूल ने इसके वालदेन के खिलाफ कंधे नारे कसे। हक तो फिर भी इसका नहीं बनता कि वो किसी की जान ले। मैं समझता हूँ रानी बहन, हमने इस मामले के बारे में पूरी तहकीकात कर ली है। आपका कैदी है, आप जो मुनासिब समझे करें, इसके साथ जो इंसाफ होगा वो तो होगा। कसूरवार है तो सजा मिलेगी, बेकसूर है तो बरी हो जाएगी। मैंने अपना फर्ज पूरा कर दिया। बहुत शुक्रिया। जा बेटा। माफ कर ले चौधरी जी, मैं तेरे सिकंदर को नहीं बचा सके, मैं अपने बेटे को नहीं बचा सके। मैं क्या करती, मेरे पास कोई रास्ता भी नहीं था। जानती हूँ तू भी ऐसा ही करता। रानी खत्म हो गई, किस तेज घोड़े पे सवार थी, ऐसी गिरी कि ठोकर खत्म ही नहीं होती। माफ कर दे चौधरी जी, रानी को माफ कर दे चौधरी जी। अब आपका समय नहीं रख सकती चौधरी जी,
रूम के घर वालों को हमारी छोटी हवेली और इसके आसपास के बागीचे और जमीने दे देना। जी रानी साहब। और उनको कहना कि मैं उनके पास खुद माफी मांगने आऊंगी। ठीक है रानी साहब। मैं उनका पेटा तो नहीं लौटा सकती, जो मेरे पास में वो तो कर सकती।